अब खबरें विस्तार से। जिले का भोपालगढ़ कस्बा मंगलवार को बंद रहा। एक कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मंगलवार को भोपालगढ़ कस्बा बंद रखा गया। यहां सोमवार को भी पीड़िता के पक्ष में लोगों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि यहां प्रथम वर्ष की छात्रा को बंधक बनाकर 5 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। भोपालगढ़ की रहने वाली छात्रा जब कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी जीप और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए युवक उसे जबरदस्ती जीप में डालकर सुनसान जगह ले गए और वहां खाली पड़े मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। ये मुद्दा कम नहीं है, चाहे दूसरी कोई लोग हो जातिवाद की राजनीति करते हो। हम कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम मानवीय दृष्टिकोण की राजनीति करते हैं। और मानवीय दृष्टिकोण से जब जब चाहे महाभारत में हो चाहे रामायण में हो, जब बच्चियों पे अत्याचार हुआ, जब बच्चियों की अन्याय हुआ है, चाहे द्रौपदी की हो और जिसने आंखें बंद की है उसका सर्वनाश तय है। बच्ची के फादर के पास फोन आ रहे, जो नंबर हमें दिए हैं उसको मैंने उसमें डलवा दिया है कि ये नंबर से किस किस के नाम से मैं इनको निकलवाया जाए, इनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई करना है। वो दे दिया है मैंने, वो लिस्ट आ जाएगी, उनको पाबंदी के खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। दूसरा भाई आएंगे तो आना तो मैं रोक नहीं सकता, किस किस दुनिया के रोक दूँ मैं, लेकिन जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाज है, हजारों लोग घूम रहे हैं आवारा टाइप के, चलते ही घुमा दिया। अपने को इस बात से आक्रोशित नहीं होना है। आप आक्रोशित हो के आप किसी तरह का कदम उठा लोगे तो आपके इस केस की प्रायोरिटी थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। मैं खुली बात कह रहा हूँ आपसे, अब झूठ मेरे से बोला नहीं जाता, मुंह पे ही कह रहा हूँ। और बातें डाइवर्ट हो जाएगी बिना मतलब की। आप जब तक आप हम पर भरोसा रख के कार्रवाई को देखिए, 5-7 दिन में मुलजिमों को हम उठा लाएंगे, काम भी।